ये कहना बहुत आसान है कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मुझ पे दूसरों के कहे का फर्क ना पड़े, ठीक है, दूसरे हंसे तो भी मैं वही करूं जो मैं कर रहा हूं, दूसरे तारीफ दें तो भी मेरे करने पे अंतर ना पड़े। लेकिन उसमें एक पेच है, वो तुम समझते नहीं। पेच ये है कि अगर दूसरे हंसे नहीं या दूसरे मजाक ना बनाए तो तुम वो ज्यादातर काम करोगे ही नहीं जो तुम करते हो। बात को समझना, तुम कहते हो मैं कुछ करता हूं, मैं ये कर रहता आया, ये काम मैं करता आया, इसके अंत में मैं चाहता हूं मुझ पे अंतर ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। पर अगर तुम पे अंतर ना पड़ता होता लोग क्या कहेंगे तो तुम ये काम करते ही नहीं। तो तुम जो मांग रहे हो वो असंभव है, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम काम ही वही सब करते आए हो और करते हो जो तुम्हें दूसरों से तारीफ दिलवाएं, मान्यता दिलवाएं, दूसरों से कुछ दिलवाएं या दूसरों से तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे सारे कामों का जो केंद्र है वो आत्म नहीं है, सेल्फ नहीं है। तुम्हारे सारे कामों का जो केंद्र है वो क्या है? वो संसार है। तो इतनी सी मांग करना कि मैं काम तो करूं पर मुझ पे परिणामों का फल ना पड़े, ये मांग असंभव मांग है। तुम्हें इससे बड़ी मांग करनी पड़ेगी। बड़ी मांग क्या है? छोटी मांग है कि मैं करूं वही जो कर रहा हूं पर जब परिणाम निकले तो मुझ पे कोई असर ना पड़े। इससे बड़ी मांग करनी पड़ेगी। इससे बड़ी मांग क्या है? कि मैं वो करूं ही ना जो मैं कर रहा हूं। पर जैसे ही ये मांग करोगे तो एक शर्त आएगी कि तुम जो हो वो तो वही करेगा जो वो कर रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि दूसरों के कहे का तुम पे असर ना पड़े तो तुम्हें अपने होने को ही बदलना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? हम जिंदगी भर वही सब कुछ करते हैं जो हमें दूसरों से मिला है, जो दूसरों से ही मिला है वो करने में दूसरों के कहे का हम पे अंतर कैसे नहीं पड़ेगा? दूसरों के कहे का असर तो हम पे पहले ही हो चुका है, तभी तो हमने वो काम करना शुरू किया। वो काम कर लेने के बाद तुम मांग क्या कर रहे हो कि हम पे अब फर्क ना पड़े? अरे फर्क ना पड़ता होता तो तुम ये काम शुरू ही क्यों करते? फर्क ना पड़ता होता तो शुरू ही क्यों करते? और शुरू तुम करोगे क्यों? क्योंकि तुम हो ऐसे। कैसा हूं मैं? कैसा हूं मैं ये जानने के लिए अपने दिन भर की गतिविधियों को देखो। मैंने देखना कहा, कुछ करना नहीं कहा। मैंने नहीं कहा कि देख करके उनको बदल दो, उनको रोक दो। मैंने कहा देखो, ये देखना काफी हो जाएगा। असल में आत्मज्ञान के अभाव में ही दुनिया तुम पे हावी हो सकती है। जैसे जैसे तुम जानते जाते हो अपने आप को, वैसे वैसे दुनिया तुम पे हावी होना छोड़ देती है। आत्मज्ञान और संसार ज्ञान कोई बहुत अलग अलग बातें नहीं है। दुनिया को भी अगर बारीकी से देख लिया तो अपने आप को समझ जाओगे, अच्छा ये चल रहा है। बाजार में निकलते हो, वहां दुकानें लगी हुई हैं लाइन से तुमको ललचाने के लिए। दुकानों को अगर तुम समझ गए तो तुम लालच को समझ गए, और लालच कहाँ होता है? अपने मन में ना। लालच कहाँ होता है? तो उन दुकानों को अगर ध्यान से समझ लिया तो किसको समझ लिया? अपने आप को समझ लिया। सर मैं कहना चाह रहा था कि जैसे हम यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर मैं वो चीज़ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे दुनिया में सर्वाइव करना है, और
सर्वाइव माने उसके क्या? एंड पर। सर्वाइव का भी जो अर्थ है वो तुम्हें दुनिया ने ही दिया है। सर्वाइव माने क्या होता है? परिभाषा क्या है सर्वाइव की? रहना जरूरत है जो हमने वो जरूरतें क्या है ये तुम खुद जानते हो या दुनिया ने सिखाया है? जब तुम अपनी जरूरत की परिभाषा भी दुनिया से ला रहे हो तो उन जरूरतों को पूरा भी तुम्हें दुनिया के अनुसार ही करना पड़ेगा। जो चाहते हो कि जरूरतें तो पूरी करें पर दुनिया से बचे रहें, उन्हें अपनी जरूरतों की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी। ये तुम तो बड़ी दुनियादारी वाली परिभाषा रखते हो ना जरूरतों की। तुम्हारे लिए जरूरतें क्या है? तुम्हारे लिए जरूरतें एक अच्छा मकान, गाड़ी वाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया वाले कपड़े होने चाहिए, दुनिया से इज्जत मिलती हो। तुमने तो इन्हीं सबको जरूरतों का नाम दिया हुआ है ना कि नहीं? ये परिभाषा तुम्हें किसने दी? देखा है दुनिया ने कि दी ना। जब ये परिभाषा ही तुम्हें दुनिया से मिली है तो इन सब बातों को पूरा करने के लिए तुम्हें गुलामी भी किसकी करनी पड़ेगी? दुनिया दुनिया की ही करनी पड़ेगी। अपनी जरूरतों की परिभाषा बदलो। ये बात बिल्कुल छोड़ दो कि बंदे को कम से कम इतना तो चाहिए ना। जो बातें बड़ी ऑब्वियस लगती हैं जरा उन पे सवाल उठाना शुरू करो। ये बात तुम किसी से करो तो कहेगा यार इतना तो चाहिए ही होता है। तुम डर मत जाओ, तुम संकोच में मत आ जाओ। तुम कहो ठहर, मैं जानना चाहता हूं कि इतना क्यों चाहिए होता है, और मैं जानना चाहता हूं कि यदि इतना भी ना हो तो क्या हो जाएगा, और मैं जानना चाहता हूं कि मेरा कुछ बिगड़ जाना है क्या वास्तव में। और अगर मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ बिगड़ जाना है तो वो जो बिगड़ जाना है वो असली है या दुनिया का दिया हुआ? कुछ बिगड़ सकता है, उदाहरण के लिए इज्जत जा सकती है, पर इज्जत अस्तित्वगत है या समाजगत है? हाँ बिल्कुल, कुछ नुकसान हो सकता है अगर तुम दुनिया के अनुसार अपनी जरूरतें पूरी ना करो, पर वो जो नुकसान होगा उसमें तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ ऐसा जो तुम्हें अस्तित्व ने दिया या कुछ ऐसा जो तुम्हें समाज ने दिया? बोलो। अब अगर तुमने तय ही कर रखा हो कि तुम्हें सामाजिक होकर के जीना है तो फिर तो सत्य तुम्हारे लिए है नहीं। और अगर सत्य की जरा भी प्यास है तो सबसे पहले वो परिभाषाएं छोड़ो जो तुम्हें दुनिया ने दी हैं। अपनी आंखों से साफ साफ देखो, तुम्हें सब समझ में आएगा। बासी अवधारणाएं लेने से कोई फायदा नहीं।